हेलो, मैं राज बोल रहा हूं। राज, तुमने फोन क्यों किया? जो कुछ भी कहना है फैक्स करो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कल मैं प्रताप को लेकर बाड़मेर आ रहा हूं। मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है, अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है, टीके को बेनकाब करना। जसवंत, कहिए एसीपी साहब। मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया, उससे मेरा प्लान कामयाब हो गया। तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा? अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देते रहे, उससे मेरे आदमी ने वीरेंद्र और उसके साथियों को खत्म कर दिया। और कल प्रताप को लेकर वो बाड़मेर आ रहा है, इसलिए अब तुम आजाद हो। हाँ? हाँ? इतनी अजीब बात है, कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है। लगता है आप इस जगह से वाकिफ हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, यही वो जगह है जहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ, और यही वो जगह है जहां मौत हम तीनों को छूकर चली गई। कैसे? था एक हराम ज्यादा मेजर विजय मल्होत्रा। साला अपने आप को देश का रखवाला समझता था। उसने हमें पकड़ लिया। अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता। बहुत ताकत थी उस कुत्ते में, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। हमने भी उस हरामजादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बनकर रह गई। क्या किया था आपने? देशभक्त को देशद्रोही साबित किया था। सुअर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने। आज भी कुछ लाशें गिरेंगी जिनकी चिता नहीं चलेगी। यस, डीके और उसके साथियों की। गाड़ी क्यों रोक दी? इस मंदिर में एक देवी पिछले 20 सालों से बैठी है। सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आइए दर्शन कर ले। दर्शन तो हम जरूर करेंगे, ताकि डीके की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं।
20 साल से अपने लिए घृणा और तिरस्कार भरी आंखें तो मैंने रोज देखी है, लेकिन आज वो भरी आंखें तुम पहली बार देख रही हो राजू। राजू राजू, 20 साल तक अपने से दूर रखा, अब माँ होकर भी तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी, मुझे मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, तुम मुझसे दूर नहीं थी, ये देख देख तेरे चरणों की धूल हमेशा तेरा आशीर्वाद बनकर मेरे साथ रही। माँ, अब तेरी प्रतीक्षा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है, देख देख मैं यहां किसे लाया हूं। तुम मां बेटे इस गांव में नहीं रह सकते, ये यहां से ऐसे नहीं जाने वाली, इसके माथे पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। मैं इसी देवी का बेटा हूं, ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगह तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था। मैं उसी विजय मल्होत्रा का बेटा हूं जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वजह से देशद्रोही कहलाया। जानता है मैं तुझे यहां क्यों लाया? ताकि जिस धरती पर धरती की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, इंसाफ भी उसी धरती पर हो। और सालों से इंसाफ के लिए इस वीराने में तपस्या करती मेरी मां आज अपनी आंखों से इंसाफ होता देखे। इंसान मर जाते हैं प्रताप सिंह, मगर आवाजें कभी नहीं मरती। सुन 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 सुन, गौर से सुन, इस रेत में मेरे बाप के तड़पने की आवाज सुन सुन। सुन अपने बाप के लिए एक बच्चे का रोना बिलखना सुन। तूफान में अपने पति को ढूंढती एक माँ की चीख सुन सुन, गौर से सुन मेरी माँ की चीख है सुन सुन। ठीक है नहीं, जसवंत निकाल। जसवंत, मैं तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था। जसवंत, तू यहां आया नहीं, लाया गया है। राजू के प्लान के मुताबिक मैंने तुझे प्रताप के आने की खबर दी, जानबूझकर तुझे छोड़ा, क्योंकि हम जानते थे अपने बिजनेस के लिए तू इसे बचाने यहां जरूर आएगा, और क्योंकि जसवंत को कानून की माफी मिल चुकी है, तू ये काम जसवंत बनकर नहीं बल्कि डीके बनकर करेगा। दुगने हिस्से के लिए तू अपने साथियों को धोखा दे सकता है, जसवंत हमको नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट।
अपने आदमियों को बचाने के लिए जसवंत अकेला आएगा। ये कमीना मेजर विजय मल्होत्रा का बेटा है। इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था। इसे जिंदा कर दो। Ah!
हमें मत मारना, हमें माफ कर दो। राजू मैं तेरा ससुर हूं बेटा, क्या तू अपने ससुर को मारेगा? नहीं नहीं राजू नहीं, नहीं। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। कितना कितना रहम दिल है, आखिर आखिर मेरा मेरा दामाद है। ऊपर देखो। नोच नोच कर जिंदा खा जाएंगे। राजू 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 तू मैं गोली से मार दे। राजू गोली से मार दे, मुझे जान से मार डाल, भगवान का वास्ता है तुझे। मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आग मिलेगी ना धरती माँ की गोद। नहीं राजू नहीं नहीं, नहीं राजू। राजू मैंने तेरे देशभक्त बाप के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, संगीनों से गोद गोद के मारा था। असली गद्दार तो हमें, जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे। अरे तू तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मारता क्यों नहीं? अरे गांव वालों, हम सारे जुर्म कबूल करते हैं, इनकी दो से हमें बचा लो, हम चल भी नहीं सकते, हमें मार डालो। अरे रुक जा, कहाँ जा रहे तू? अरे तेरी देवी जैसी माँ के माथे पर मैंने लिखा था कि उसका पति देशद्रोही है। अरे तू भी मेरे माथे पर गोलियों से लिख दे कि मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, सुअर हूँ। रुक जाओ, हमें छोड़ो, रुक जाओ। Thank you.